नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होंगे, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का दावा करने वालों से आवेदन मांगे गए हैं, साथ ही कांग्रेस ने टिकट के लिए आवेदन करने वालों के लिए फीस तय की है। जी हां, अब कांग्रेस से टिकट मांगने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी होगी, लेकिन कितनी फीस होगी ये बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, ऐसे में सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस भी चुनाव रण में उतरने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन भी मांगे हैं, हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस ने इसके लिए एक शर्त भी रखी है। दरअसल कांग्रेस से टिकट मांगने वाले लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारी का दावा करने वाले लोगों से 11,000 रुपए की फीस मांगी है। टिकट मांगने वाले लोगों को आवेदन पत्र के साथ ही फीस जमा करनी होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आदेश जारी किया। आदेश के मुताबिक 25 सितंबर तक 11,000 रुपए जमा कराने होंगे। आदेश में कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और प्रदेश स्तर पर श्री संजय शर्मा जी मोबाइल नंबर 9335205986 एवं श्री विजय बहादुर जी मोबाइल नंबर 9506062345 को अधिकृत किया गया है। आदेश में आगे कहा गया कि सभी आवेदक जिला स्तर पर उक्त लोगों के पास अपना आवेदन पत्र, सहयोग राशि 11,000 रुपए के RTGS डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के साथ 25 सितंबर 2021 तक जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे। सहयोग राशि जमा करने संबंधित बैंक डिटेल इस पत्र के साथ भेजें। आपको बता दें कि टिकट के लिए आवेदन करने वालों से ये राशि पार्टी फंड में सहयोग के तौर पर ली जाएगी। ये पार्टी का फैसला है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ये सहयोग राशि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम चालू खाते में जमा होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।